एंड इवोल्यूशन ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है कंसेप्ट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत आसान लगने लगेगा इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में समझेंगे सो लेट स्टार्ट सबसे पहले हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या है इनका रोल क्या है और बॉडी में ये क्यूँ इम्पोर्टेंट है क्यों जरूरी है प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी प्रोटीन्स हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी सेल्स को मेन्टेन करना डैमेज सेल्स को रिपेयर करना ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स कई प्रकार की बायोकेमिकल प्रोसेसिस और रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती है प्रोटीन्स इंजाम्स के फॉर्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम करते हैं और भी कई प्रकार के रोल्स प्रोटीन्स के पास होते हैं जिसमें पीएच को मेंटेन रखना फ्लुइड बैलेंस इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी एनर्जी ये सब आता है सो प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ये स्टेज ऑर्गेनिजम्स की बॉडी और लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है लेट सी इन डिटेल हाउ दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन सेल इन ओवरऑल प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाई विच एम आर एन एज सिंथेसाइज बेस्ड ऑन डी एन ए टेम्पलेट

हम जब किसी भी प्रकार का काम करते हैं या तो हम किसी से इंस्ट्रक्शन लेके उसे एग्जीक्यूट करते हैं या फिर खुद से इंस्ट्रक्शन लेते हैं मीन्स हमारा माइंड हमें देता है है ठीक उसी तरह जेनेटिक की मदद से का बनता एंड दैट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डी एन ऑफ जीन्स दिस इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डी एन ए टू आर एन एंड आर एन ए टू प्रोटीन्स दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा हैं और आरएनए से समझते हैं कि हुआ इसे, है, protein, इसे है, है कि होता कैसे है in जैसे कि हमें पता ही है कि डीएनए में दो स्टैंड होते हैं देर आर टू स्टैंड ऑफ डीएनए लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में कोई एक ही स्टैंड यूज होती है जिसे टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं और जो यूज नहीं हो रही है उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड अब देखते हैं कि एम कैसे प्रोड्यूस होगा एम आर एन एज प्रोड्यूस्ड एज पर दिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डी एन ए की जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट होने जा रही है द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस ऑफ दैट स्ट्रैंड विल डिसाइड न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस ऑफ एम आर एन ए द सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एम आर एन ए बिंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डी स्ट्रैंड यूज फॉर सिंथेसिस डीएनए के पास चार टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडिनिन, गोनिन साइटोसिन एंड थायमिन इन चार नाइट्रोजनस बेसिस के पर्टिकुलर सीक्वेंस से बनती है डीएनए की कोडिंग आरएनए में थायमिन की जगह यूरैसिल होता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स पहले एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है इफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज लाइक दिस द एमआरएनए सीक्वेंस वुड बी बिकॉज़ ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड सी ऑलवेज पेयर्स विद जी तो इस तरह से आर एन ए सीक्वेंस बनेगा ओनली थिंग इज देर इज यूरसिल इन दर एन ए इंस्टेट ऑफ थान सो वी टूक यूरसिल इन द्लेस ऑफ था दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड दिस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्स ऑफ दिसल